भागलपुर नगोचिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप कुमार ने केक काटकर नगोचिया का 39वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर नगोचिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि यहां की जनता, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका समेत सबों के सहयोग से नगोचिया का निरंतर विकास हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग कई उपलब्धियों के साथ नगोचिया का गोल्डन जुबली मनाएंगे। उन्होंने उम्मीद करते हुए कहा कि आशा है कि आने वाले दिनों में यहाँ की आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी और ज़्यादा खुशहाली होगी। नगोचिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने लोगों को शुभकामना देते हुए कहा कि नगोचिया के स्थापना दिवस पर वे उम्मीद करते हैं कि नगोचिया का निरंतर विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। उन लोगों के स्तर से जो भी प्रगतिशील कार्य होना है वे कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। स्थापना दिवस अनुमंडल का स्पेशल कुछ आज नगोचिया अनुमंडल का 49वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सभी नगोचिया वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से अभी तक नगोचिया अनुमंडल में विकास हुआ है, आगे भी होता रहा है। नगर पंचायत से नगर परिषद बना है, बाकी भी सभी क्षेत्र में यहाँ विकास हुआ है। सभी के सहयोग से सभी समस्त जनता, समस्त प्रशासन, समस्त पुलिस प्रशासन एवं जो न्यायपालिका है उनके सभी के सहयोग से बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। और हमको आशा है कि आने वाले दिनों में जब हम गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे नगोचिया का, तो हम बहुत ही और अच्छे से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर खुशहाली और समृद्धि आएगी और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सभी तरह में नगोचिया सबसे आगे नज़र आएगी। 49वां स्थापना दिवस है, इसके साक्षी हम लोग भी आज बने हैं। हालांकि मैं पिछले साल भी था, लेकिन कोरोना की वजह से कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं हुआ था। और ये हम लोगों का भी सौभाग्य है कि आज इसके स्थापना दिवस का जो आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया, उसका साक्षी हम सर के साथ बने हैं। हमारे तरफ से पूरे नगोचिया वासी को बहुत बहुत शुभकामना, और यही कामना रहेगा कि आने वाले दिन में और भी विकास करें, हर क्षेत्र में विकास करें और अच्छे पदाधिकारी की यहाँ पोस्टिंग हो, जिससे आपके विकास में काफ़ी मदद हो। हम लोग भी जब तक हैं चाहेंगे कि हम लोग के लेवल का जो भी काम हो, इसके विकास के लिए निरंतर करते रहें। और इसी के साथ पूरे नगोचिया वासी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही खबरों के लिए करें SAY24LIVE को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।